हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए गढ़मुक्तेश्वर के उपजिलाधिकारी अरविंद द्विवेदी ने बुलडोजर चलवाया। हाईवे NH9 पर स्थित सरकारी जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर ढाबा बना रखा था। प्रशासन द्वारा यहां होटल बिस्मिल्लाह और सरपंच ढाबों को ध्वस्त किया गया। इसके पहले SDM ने ढाबा मालिकों को नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा था, जिसके बाद बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। NH9 पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ढाबे बनाए गए हैं, जिन पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने यहां लगभग 80 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया। SDM अरविंद द्विवेदी के नेतृत्व में अवैध ढाबों को ध्वस्त कर दिया गया। SDM ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध ढाबों और गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। SDM अरविंद द्विवेदी ने बताया कि कुछ लोगों से सरकारी जमीन पर अवैध ढाबे और गेस्ट हाउस बना रखे हैं। आज अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, साथ ही इन लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। यहाँ जितने सालों से कब्जा है उतने समय का 1% सर्किल रेट के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी गई है, अगर फिर से अवैध अतिक्रमण किया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।